नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नरेश मित्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहाँ सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि OMR सीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। जी हाँ साथी, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि OMR सीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और OMR सीट में अब 5 ऑप्शन होंगे, 4 की बजाय 5 ऑप्शन होंगे। जी हाँ साथी, ये 5 ऑप्शन क्यों बनाए गए हैं इस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, स्किप भी न करें बिल्कुल ही, और अंत तक देखें ताकि आपको OMR सीट को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। जी हाँ साथियों, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग हल और छोड़े गए प्रश्न को लेकर पेपर में देना होगा ब्यौरा, और नवाचार OMR सीट में होंगे अब 5 विकल्प, हर प्रश्न का जवाब है जो जरूरी देना है। और दोस्तों देखिए, इसमें बता रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में जल्द नवाचार लागू होगा और OMR सीट में 4 की बजाय 5 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना जरूरी होगा, और इसके अलावा पेपर में भी कुल हल किए गए प्रश्न और छोड़े गए प्रश्न का ब्यौरा एक तय बॉक्स में देना होगा और फुल कमीशन की बैठक में मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं कि पहले OMR सीट में 4 ऑप्शन थे, अब ये प्रक्रिया चल रही है 5 ऑप्शन करने की, यह जल्द से जल्द मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।